खाएंगे आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप कोफ्ते को करेले के साथ खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुशहाल रखे। आज हमारे किचन में बनने वाले हैं कोफ्ता करेले। उसके लिए पहले हम कीमे को रेडी करेंगे। ये करेलों के अंदर हम भर के फिर हम पकाएंगे। तो ये कच्चा कीमा हम भरेंगे, इसको हमने पकाना नहीं है। इसके लिए जो चीज़ें हम सालन में ऐड करते हैं उसी क्वांटिटी के साथ हमने इनको बनाना है। यहाँ पे मैंने हाफ के जी कीमा लिया है, मटन का है। इसके अंदर 2 टेबल स्पून फैट डालूंगी, नहीं हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं फैट को। और यहाँ पे एक मैंने प्याज ली है वो काट के मोटी मोटी, एक टमाटर मीडियम साइज़ का, 3 मैंने सब्ज़ मिर्चें इसमें काट के रखी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो मसाले हैं, ये नमक हम इसमें ध्यान से डालेंगे क्योंकि हमने अपने करेलों को नमक लगा के रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून कुटा हुआ साबुत मिक्स गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ये साबुत धनिया, 1 टीस्पून इसके अंदर साबुत जीरा जाएगा। अब हमने करना क्या है, हमने इनको सारी चीज़ों को चॉपर में डाल के मिक्स करना है। पहले मैं इस मसाले को चॉपर में डाल के मिक्स करूँगी। ये हमारा मसाला जो है, ये देखिए ऐसे मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर अपना ये कीमा डाल देंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको बारीक नहीं करना मसाले को, बस थोड़ा मोटा मोटा सा ही चॉप करना है। बस एक बार मैंने चॉपर को चलाया है। इसके अंदर हम कोई ब्रेड, कोई कोई भी चीज़ नहीं डालेंगे इसकी बाइंडिंग के लिए, क्योंकि हमने इसको करेलों के अंदर फिल करना है। ये देखिए, ये हमारा रेडी हो चुका है। आप अगर चॉपर में डाल के नहीं करना चाहते तो बारीक बिल्कुल प्याज सारी चीज़ें काटें और फिर आप उनको कीमे के अंदर मिक्स करके भर लें। ये बिल्कुल भी निकलता नहीं है और ये कच्चा भी नहीं रहता। ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। इसको वापस इसी बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने ये करेले धो के, इनको मैंने नमक लगा के रख दिया था 1 घंटे के लिए। अब मैंने इनको धो के अच्छे से बिल्कुल प्रेस करके निचोड़ दिया इनका पानी। हम इसको ऐसे भर लेंगे। थोड़ा छोटा करेला लें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना जो भी आपके पास हो आप बना सकते हैं आराम से। इसको हमने अच्छे से भरना है क्योंकि पकने के बाद कीमा जो है थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, तो वो फिर ये बिल्कुल निकलेगा नहीं और ना ही ये कच्चा रहता है, पक जाता है बिल्कुल सही से इसके अंदर। जब तक मैं करेलों को भरती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, और जो पुराने लोग हैं वो मुझे कमेंट करके बताएं कि मुझे आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो कैसी लग रही हैं। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, रेसिपीज़ अच्छी लगें, तो आप जो है उसको बनाएं और फिर मुझे बताएं कि आपको रेसिपी पसंद आई कि नहीं। ये जो कीमा बच जाएगा इसको आप ऐसे पैकेट में डाल के फ्रीज कर सकते हैं। बाद में आप फिर दोबारा इसको निकालें, डिफ्रोस्ट बाहर रख दें और फिर आप इसको करेलों में भर के कर सकते हैं।
हमारे घर में करेले जो हैं वो मसाले के साथ खा होते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको बाद में आलू और प्याज के साथ मिक्स करके उसका मसाला भी बनाती हूँ। ये हमारे करेले भर हो गए हैं, अब हमने इनको सिलाई करना है। आप इनको लपेट भी सकते हैं, लेकिन इसको सी लें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि लपेटा हुआ धागा जो है ना वो खुल के एक दूसरे के साथ उलझ जाता है। मैं सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मेरा इंस्टा का चैनल है, इंस्टा का पेज है बीबी की दुनिया के नाम से, उसको फॉलो करें। और फेसबुक पर खाना पकाना और खिलाना के नाम से है, उसे फॉलो करें। ये हमारे करेले सील चुके हैं, अब हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल डालेंगे एक पैन में और इनको हम फ्राई कर लेंगे। पहले हमने ऑयल को थोड़ा गरम करके इसके अंदर हमने करेलों को सारी साइड से अच्छे से कलर कर दे लेना है। जब ये गोल्डन से हो जाएंगे तो फिर हम इनको कवर करके छोड़ देंगे थोड़ी देर। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऑयल है इसी ऑयल को हम बीच के पैन में निकालेंगे और इसको पीस के हल्की आग पे, इसके ऊपर हम ढक्कन लगा के इसको दम पे लगाएंगे ताकि हमारे करेले जो है ना वो गल जाए अच्छे से, कीमा भी। इसके अंदर हम एक टेबल स्पून मिक्स अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये जो कीमा हमने बनाया था वो मैं इसके अंदर थोड़ा सा डालूँगी और इसको भून लेंगे अच्छे से। इसके अंदर मैंने ये एक प्याज, एक टमाटर, एक सब्ज़ मिर्च और दो आलू काट के बारीक बारीक रखे हैं यहाँ पे। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैं डाल दूँगी। अब अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च डाल सकते हैं। नमक को बहुत एहतियात के साथ डालें, आपने करेलों को नमक लगाया होता है। इसके ऊपर भी हम ढक्कन लगा के इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे कि आंच करके हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे और फिर तब तक हमारे करेले गल जाएंगे और ये भी रेडी हो जाएगा, तो हम इसको मिक्स कर देंगे। हमारे दोनों सालन जो हैं ये रेडी हो चुके हैं, करेले भी और ये हमारा मसाला भी। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अच्छे से आलू गल गए हैं, इसकी आग मैंने बंद की हुई है, करेलों को भी बंद कर दी है। अब हम इसको इसके ऊपर करेले, ये हमारे करेले जो हैं ये बिल्कुल गल गए हैं, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से, ये देखें बिल्कुल ये जो है पका हुआ है। के ऊपर हम धनिया पुदीना डालेंगे और हमारे कोफ्ता करेले जो हैं वो रेडी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर बनाएं, और जब आप मेरी कोई रेसिपी बनाएं तो मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको कैसी लगी। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि जो हमने इसके अंदर कच्चा कीमा डाला है वो भी बिल्कुल पका हुआ है, ये देखें। इसका आपको जो हम मसाला पका के कीमे का करेले पकाते हैं ना, भरते हैं, उससे बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आएगा। ज़रूर बना के देखें, आपको अच्छा लगेगा और वो डबल झंझट से भी जान छूट जाती है। मुझे तो कोई 15 साल हो गए ऐसे ही पकाते, वो मुझे बहुत झंझट वाला काम लगता है और मुझे वो पसंद भी नहीं आते। पहले उसको हम पकाते हैं, फिर हम उसको फिल करते हैं, फिर डबल मेहनत होती है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आपका जो मसाला है कीमे का, जब हम सालन पकाते हैं तो वो कम हो जाता है, इसमें आपकी क्वांटिटी उतनी ही रहती है। जब आप उसको भर लेते हैं उसके बाद वो उसके अंदर श्रिंक होते हैं, और ये देखें
जब आप इसको कच्चे कीमे का जो कबाब होता है वैसा टेस्ट आता है इसमें से। ज़रूर आप इसको बनाएं और खाएं। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।